हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ 6 हेल्दी नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही कम तेल कम टाइम में बनाकर रेडी करेंगे। और इस नाश्ते को आप सुबह या शाम या छोटी मोटी भूख में भी बनाकर खा सकते हैं, या बच्चों के टिफिन के लिए भी इसे आप बना सकते हैं। सभी नाश्ते की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बनाना इसे बहुत ही आसान है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे अंकुरित हरी मूंग का चीला, जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला है। हेल्दी चीला बनाने के लिए 1 कप अंकुरित मूंग की दाल ली हुई है और 2 चम्मच चावल। तो चावल को मैंने भिगो के लिया है और इन्हें हमें मिक्सी में पीसना है। अंकुरित मूंग की जगह आप नॉर्मल भीगी हुई हरी मूंग भी ले सकते हैं। मिक्सी के जार में अंकुरित मूंग, चावल, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। मिर्ची मैंने कम यूज की है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिर्ची बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ पीस चुका है हरी मूंग का हमारा पेस्ट। और यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार डालकर इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे मैंने कवर करके साइड में रख दिया है और अब पनीर की स्टफिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पर पनीर लिया है मैंने, हाथों से ही मैश कर लिया है हल्का, और पिज्जा सॉस इसे डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और आप इस स्टफिंग की जगह आलू मसाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गरम तवे पर 2 बड़े चम्मच बैटर को डालकर इस तरीके से फैला दिया है। तो इसे आप चीला कहें या हेल्दी डोसा कहें, दोनों ही आप बोल सकते हैं। पनीर का जो स्टफिंग रेडी किया है उसे हम इस तरीके से एक साइड में फैला देंगे और अब इसे चारों तरफ से इस तरीके से हल्का सा स्क्रैच करते हुए फोल्ड कर लेंगे, जैसे हम डोसा के लिए करते हैं। तो ये हमारा हेल्दी चीला या डोसा बनकर रेडी हो गया और इसे आप गर्मा गर्म खाइए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगता है। दूसरा डोसा भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बच्चे अक्सर अंकुरित मूंग नहीं खाते हैं, तो आप उन्हें इस तरीके से नाश्ता बनाकर दे सकते हैं टिफिन में भी। ये ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है। बिना तेल और बहुत ही कम टाइम में बनकर हमारा हेल्दी नाश्ता रेडी है। इसे आप वेट लॉस में भी बनाकर खा सकते हैं, ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। बनाना भी इसे बहुत ही इजी है और आप इसे गर्मा गर्म चटनी सॉस या रायते के साथ खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगले नाश्ते में मैंने बनाया सूजी और बहुत सारी सब्जियों को ऐड करके हेल्दी अप्पे, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बच्चे बड़े सभी को पसंद आते हैं। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, इसे अप्पे पैन या बिना अप्पे पैन के भी बना सकते हैं। अप्पे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी लिया है और ये बारीक वाली सूजी है। और जिस कप से हमने सूजी लिया है उसी कप का आधा हमने यहाँ पर दही का यूज किया है। तो जितना हम सूजी लेंगे उसी के आधा हम यहाँ पर दही ऐड करके और आधा कप पानी इसमें मिक्स करते हुए इसका हमें बैटर रेडी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी के लिए आधा कप दही और आधा कप ही पानी मिलाकर एक गाढ़ा सा बैटर रेडी कर लिया है और इसे हमें 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है, जिससे ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो बाकी आप सब्जी काट सकते हैं जब आपका 15 मिनट का टाइम बीच में मिले। तो मैंने पहले से ही सब्जियों को काट के रख लिया था, तो 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट के बाद बैटर हमारा काफ़ी ज़्यादा फर्मेंट होने के बबाद गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच पानी डालकर इसे थोड़ा सा एडजस्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों में बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर और धनिया पत्ता लिया है और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। सब्जियाँ आप वही यहाँ पर ले जो आपके पास है। सब्जियों को आप जितना ज़्यादा बारीक कट कर ले, या आप इसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं खाने वाले, जिससे खाने में आना कानी भी वो ना करें। तो सब्जियों को आप चाहे तो पैन में या कढ़ाई में इसे 2 मिनट तक के लिए हल्का सा सॉटे कर ले, उसके बाद इसे आप ठंडा करके बैटर में ऐड करें। तो मेरे पास टाइम कम था, मैंने बच्चों के लिए रेडी किया था तो उतना टाइम नहीं था कि इसे मैं पैन में फ्राई करूं, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट सब्जियों को ऐड किया है। और अलग से पैन में 1 चम्मच तेल में राई, कड़ी पत्ता और हींग डालकर तड़का भी लगा दिया है ऊपर से। कड़ी पत्ता, हींग और राई का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अप्पे में। और यहीं पर स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, तो जब आपको नाश्ता बनाना है तभी इसमें आप पीनो या बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडे का यूज करें। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच के करीब बेकिंग सोडा का यूज किया है और ऊपर से 2 चम्मच पानी डालकर, जिससे बेकिंग सोडा बैटर में अच्छे से एक्टिवेट हो सके
उसके बाद इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को हमें ओवर मिक्स नहीं करना है। इनो या बेकिंग सोडा जब बैटर में ऐड कर देंगे तो फिर इस बैटर को हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, फटाफट हमें अप्पे बना लेना है। तो गैस पर मैंने एक अप्पे का पैन रख दिया है और इसे पहले मैंने गर्म कर लिया है और थोड़ा थोड़ा हम तेल डाल देंगे और सभी मैंने अप्पे के मोल्ड्स में तेल डाल दिया है। और इस तरीके से जितने आपके अप्पे का मोल्ड हो आप उतना ही बैटर इसमें डालें और सभी मोल्ड्स को भरने के बाद इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे 3 मिनट तक के लिए कवर करके। और अगर आपके पास इस तरीके का अप्पे पैन नहीं हो तो इस तरीके का छोटे पैन है तो इसमें भी हल्का सा इसे तेल से ग्रीस कर ले पैन को और जितना आपको अप्पे साइज में चाहिए आप उतना ही बैटर डालकर आप बिना अप्पे पैन के भी अप्पे बना सकते हैं। 3 मिनट के बाद लीड हटा दिया है मैंने और अब यहाँ पर आप चाहें तो हल्का सा तेल ऊपर से लगा सकते हैं। मैंने तेल नहीं लगाया है, इसे ऐसे ही पलट लिया है और इसे वापस से सभी अप्पे को पलटने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके पका लेना है। और जब तक ये पक रहा है तो चलते हैं झटपट इसके लिए चटपटी सी चटनी रेडी करने। तो यहाँ पर ताजे धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन की 2 कलियाँ और प्याज मैंने लिया है आधा कट करके और दही डालेंगे 1 चम्मच, जीरा, नमक स्वादानुसार और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मूंगफली लिया है और मूंगफली को मैंने रोस्ट करके लिया है यहाँ पर और इसे पीस लेंगे। तो चटनी बनकर रेडी हो चुकी है और आप चाहें तो चटनी में तड़का लगा सकते हैं। तो 3 मिनट हो चुके हैं, अप्पे को देख लेते हैं। तो दूसरी साइड से अप्पे भी हमारा पक चुका है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कलरफुल और फूले फूले बने हुए हैं फ्रेंड्स। तो अप्पे हमारा रेडी हो चुका है और इसे क्रिस्पी करने के लिए फ्लेम को मीडियम कर लिया है यहाँ पर मैंने और इसे उलटते पलटते हुए 1 मिनट पका लिया है। तो टोटल हमने इसे 6 मिनट और 1 मिनट हमने इसे क्रिस्पी करने के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पैन का जो हमने अप्पे डाला था तो ये पैन वाला अप्पे भी कितना कलरफुल और टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो सब्जियों को कद्दूकस करके या चॉपर में चॉप करके ले तो फिर बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और इसी बहाने बच्चे सब्जी भी खा लेंगे। और अब चलते हैं फिर अगली रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही हेल्दी ब्रेड टोस्ट की रेसिपी बनाई हुई है तो आइए देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। नाश्ता बनाने के लिए 1 कप बेसन लिया है और ये रेगुलर बेसन है जिसे हम कड़ी पकौड़ों में यूज करते हैं। आप बेसन कोई सा भी ले सकते हैं और इस 1 कप बेसन से 5 इस तरीके से नाश्ते बनकर रेडी होंगे। नाश्ता हमारा फ्लेवरफुल लगे इसके लिए यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च, टमाटर, नमक स्वादानुसार, भुनी हुई जीरा पाउडर, हल्दी और बारीक कटी हुई 1 मीडियम साइज के प्याज लिया है। नाश्ते को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ तो आप चाहे तो इसमें फ्लेवर के लिए और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत ही कम मसालों के साथ इस नाश्ते को बनाया है। टमाटर को मैंने ऐड किया है जिससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा, इसीलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स या लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं जिससे थोड़ा नाश्ता और ज़्यादा कलरफुल दिखे। नाश्ते में आप अपनी पसंद की सब्जियां भी यहाँ पर बारीक कट कट के ऐड कर सकते हैं जैसे कि शिमला, गाजर। तो यहाँ पर मैंने ड्राई में ही मिक्स कर लिया है सभी को। तो यहाँ पर पानी डालकर एक गाढ़ा सा बैटर रेडी कर लिया है मैंने। ये नाश्ता बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो जाने वाला हेल्दी नाश्ता है। तो इस नाश्ते को आप बच्चों के लिए चाहे तो टिफिन में या आप ट्रेवल पे जा रहे हो तो ट्रेवल में भी इसे ले जा सकते हैं। ये 4 से 5 घंटे तक ख़राब नहीं होता है, इसे आप 4 से 5 घंटे तक रख कर आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस नाश्ते को बनाने के लिए ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है। तो इस नाश्ते को आप किसी भी ब्रेड के साथ बना सकते हैं। ब्रेड की 1 स्लाइस को इस तरीके से लेंगे और बैटर में कुछ सेकेंड के लिए डालेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से बैटर को कोट कर लेंगे। तो अब इसे पहले से गरम किए हुए और तेल से ग्रीस किए हुए तवे पर इस तरीके से डाल देंगे। तवे को एक बार अच्छे से गरम कर लिया था पहले मैंने, उसके बाद यहाँ पर फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पे ही इसे 1 से 1.5 मिनट तक पका लेना है। और ऊपर जब हल्का सा ड्राई होने लगे तो इस तरीके से
तेल लगा देंगे, अगर ब्रश है तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। और इसके बाद अब इसे पलट लेंगे और अब इसे दो दो से तीन तीन मिनट दोनों तरफ से अच्छे से उलटते पलटते हुए पका लेना है। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। नाश्ते को दोनों तरफ से मैंने तीन तीन मिनट उलटते पलटते हुए अच्छे से पका लिया है और हल्का सा स्पैचुला से भी इस तरीके से प्रेस करते रहेंगे जिससे ये अच्छे से पक जाए। तो नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है और इस तरीके से आप चाहें तो इसे अपनी मनपसंद चटनी या चाय के साथ खा सकते हैं। तो मैं इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर ऊपर से घर का बनाया हुआ टमाटो केचप एक साइड पर इस तरीके से लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक पनीर की क्यूब्स लिए और इसे कद्दूकस करके डाल देंगे। तो यहाँ पर आपके पास अगर चीज़ है तो आप चीज़ का भी यूज कर सकते हैं, बच्चों को चीज़ वैसे भी पसंद आता है। तो यहाँ पर मैंने पनीर के एक क्यूब्स को इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है और अब ऊपर से हल्का सा चाट मसाला डाल देंगे जिससे अंदर से पनीर भी हमारा फीका नहीं लगे। और अब एक शार्प नाइफ या इस तरीके से स्पैचुला है तो आप इसे इस तरीके से कट कर लें और इसके बाद अब इसे एक स्लाइस के ऊपर दूसरे स्लाइस को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फ्लेम यहाँ पर लो ही है तो लो फ्लेम पे ही हमें ये सारा प्रोसेस करना है। तो अब यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और आप देख सकते हैं नाश्ता हमारा कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स, और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और कम तेल से बना है तो ये हेल्दी भी है। टमाटो केचप के साथ इसे सर्व किया है और इस नाश्ते को आप मॉर्निंग इवनिंग किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं, बच्चे हो या बड़े सभी इसे पसंद करेंगे। अगले नाश्ते की रेसिपी में बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाला चुकंदर का हेल्दी चीला बनाएंगे जिसे बहुत ही कम तेल में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर चुकंदर का चीला बनाने के लिए आधा कप बेसन और आधा कप ही गेहूँ का आटा लिया है, नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन हाथों से हल्का सा क्रश करके, जीरा पाउडर भुनी हुई, और अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई में एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब इसमें दो बड़े चम्मच मैंने दही ऐड किया है। दही ताजी है और ये फ्रीज से पहले से ही मैंने निकाल के रखा था जिससे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है। इससे हमारे नाश्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बारीक कट करके धनिया पत्ता, हरी मिर्च, प्याज, सब्जियां आप यहाँ पर और भी डाल सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। कद्दूकस करके मैंने एक कप चुकंदर लिया हुआ है तो इसे मैंने मीडियम प्लेट वाली जो कद्दूकस आती है उसी से किया है। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा सा बैटर रेडी करेंगे जैसे हम नॉर्मल चीले के लिए करते हैं। इसे एक से डेढ़ मिनट अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये मिक्स हो जाएगा ये बहुत ही अच्छा कलर यानी कि पिंकिश कलर में आ जाएगा। और आप देख सकते हैं मिक्स करने के बाद इसका कितना सुंदर सा कलर आया है और ये बनकर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बैटर रेडी करने के बाद 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया था और 5 मिनट के बाद इसे वापस से एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने तवे पर पहले से ही घी को ग्रीस कर दिया है और इसके बाद दो बड़े चमचे से इस तरीके से बैटर को डालकर फैला देंगे जैसे हम चीले के लिए फैलाते हैं। चीला जब एक बार अच्छे से फैला ले उसके बाद हल्का सा ड्राई होने देंगे और साइड के एजेस में इस तरीके से हल्के हल्के घी लगाते हुए इसे हम पलट लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है फ्रेंड्स, इसे आप वेट लॉस में या बच्चों को भी दे सकते हैं, या सुबह शाम के नाश्ते में भी इसे बनाकर खाएं। अब दोनों तरफ से हम इसी तरीके से दो दो से तीन तीन मिनट तक उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। 4 मिनट अच्छे से चीला सेकने के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा सुनहरा सा कलर आ चुका है और चीला हमारा क्रिस्पी भी हो गया है। तो आप चाहे तो इसे इसी तरीके से चटनी या रायते के साथ खाएं या इसे और ज़्यादा थोड़ा सा चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर मेरी तरह इस तरीके से अपनी मनपसंद चटनी या सॉस इस तरीके से लगा दें और ऊपर से कद्दूकस करके पनीर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह आलू का मसाला भी डाल सकते हैं। और इसे फैलाने के बाद अब फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा टेस्टी और साथ में हेल्दी नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है जिसे आप वेट लॉस पर भी हैं तो खा सकते हैं।
या बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। ठंडा होने के बाद भी ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अगले नाश्ते में मैंने बनाया बहुत ही ज्यादा टेस्टी चटपटा हेल्दी चिल्ला, जिसे आलू और पत्ता गोभी से बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा लिया है, जो रेगुलर हम रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं। पानी डालकर इसका पतला सा घोल बना लेंगे और ये बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी होने वाला नाश्ता है या टिफिन की रेसिपी है फ्रेंड। तो आप इसे नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी होने वाला है ये। तो यहाँ पर कद्दूकस करके 1 आलू लिया है बारीक कटी हुई, पत्ता गोभी। तो यहाँ पर सब्जियाँ आप अपनी पसंद से कुछ और भी हैं आपके पास तो ऐड कर सकते हैं, मेरे पास कोई भी सब्जी नहीं थी। यहाँ पर आप गाजर बारीक कट करके, प्याज टमाटर भी ऐड कर सकते हैं बारीक कट करके, धनिया पत्ता ऐड किया है। और आप चाहे तो इस नाश्ते को केवल आलू से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जीरा थोड़ी सी लिया है मैंने, लाल मिर्च पाउडर 1 चुटकी, हल्दी 1 चुटकी और नमक स्वादानुसार डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है या आप कहीं से बाहर से आ रहे थके हारे, तो ये बहुत ही कम टाइम में बिना सब्जी के भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी पराठा बनकर रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। और आप इसे रायते के साथ या मनपसंद किसी भी चटनी के सॉस के साथ खा सकते हैं। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है और चलते हैं गैस की तरफ। तो तवे पर मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया था और 2 बड़े चमचे से मैंने इस तरीके से बैटर को रख दिया था, हल्का सा पतला कर लिया था। 1 से 1.5 मिनट रहने देंगे, उसके बाद इसे पलट लिया है। और आप देख सकते हैं इसके लिए कोई भी आपको नॉनस्टिक पैन या कढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो रेगुलर तवा यूज करते हैं उसी पर ये आराम से बन जाता है। तो इसे आप आलू का पराठा या हेल्दी चिल्ला बोल सकते हैं आलू का। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो साथ में रायता और चटनी इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगले नाश्ते में बनाया है मैंने मूंगलेट, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है। नाश्ते को बनाने के लिए 1/2 कप मूंग की दाल को 2 बार अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इसे 4 घंटे के लिए साफ पानी के साथ भिगो के रख दिया है। और 4 घंटे के बाद ये बहुत ही अच्छे से फूल चुका है, आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग में इसे आप अगर नाश्ते में बनाना चाह रहे हैं तो। और यहाँ पर एक मिक्सी की जार में 1 हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े के साथ इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। भीगी हुई मूंग की दाल का पानी जो है इसमें थोड़ा सा ऐड करके इसे पीस लेंगे, तो ये आसानी से पीस जाएगा। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फाइन है। तो अब इसमें हम 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे, इससे हमारा टेक्सचर अच्छा आएगा नाश्ते का। आप इस नाश्ते को हरी मूंग के साथ भी बना सकते हैं, सेम ऐसे ही पहले 4 से 5 घंटे के लिए हरी मूंग को भिगो ले उसके बाद इसे बनाएं, तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी बनेगा। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है बेसन डालने के बाद। 10 से 15 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे साइड में, और अगर आपके पास टाइम हो ज़्यादा तो फिर इसे 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बिना इनो और बिना बेकिंग पाउडर के भी ये बहुत ही अच्छा फ्लफी और बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है टेक्सचर में। और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसके बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार ही डालें। और कद्दूकस करके मैंने गाजर, पनीर और बारीक कटी हुई धनिया पत्ता लिया है मैंने। पनीर को छोड़ के बाकी दोनों चीज़ों को हमें डाल देना है, थोड़ा थोड़ा बस गाजर और धनिया पत्ता को बचा लेंगे, उससे हमें पनीर में मिक्स करना है। तो मिर्ची यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया, अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ पर मिर्ची भी बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हमारा ये नाश्ता बनता है फ्रेंड्स। और इसे आप बच्चे हो या बड़े सभी के लिए बना सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। गाजर मैंने बचा लिया था थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ, और धनिया पत्ता भी। और पनीर में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर मैंने 2 बड़े चम्मच कद्दूकस करके लिया हुआ है और पनीर को मैंने बैटर में ऐड नहीं किया था। और यहाँ पर 1 चम्मच कद्दूकस करके चुकंदर लिया है, इससे कलर और भी अच्छा आएगा नाश्ते का। और अगर आपके पास है जो सब्जियाँ वही लें यहाँ पर। और अब इसमें चाट मसाला हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे, हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे।
और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो तवा रख दिया है मैंने गैस पर गर्म होने के लिए, और तवा जब हल्का सा गर्म हो जाए तो हम ऊपर से तेल या घी लगा देंगे। और मैंने यहाँ पर घी का यूज किया, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो घी बेटर रहेगा। और बैटर को ऐसे लेकर तवे पे रखने के बाद हल्का सा फैला लें, और आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना ही बैटर लें और तवे पे इसे फैला लें। और इसकी मोटाई आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रखें, अगर आप इसे मोटा रखेंगे थोड़ा तो इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और पतला रखेंगे तो टाइम बहुत ही कम लगता है इसे पकाने में। तो मैंने फैलाने के बाद 1 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे इसे कवर करके भी पका लिया है। और 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कवर हटाने के बाद ऊपर से भी ये ड्राई हो गया है। तो हल्का सा ब्रश से मैंने घी लगा दिया है और ऊपर से ऐसे फैला देंगे जो हमने पनीर वाला मिक्सचर बनाया था। और आप इस नाश्ते को बिना तेल या घी के भी बना सकते हैं, तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसीलिए यहाँ पर घी का यूज किया है। और हल्का सा स्पैचुला से ऐसे प्रेस कर देंगे जिससे ये बिल्कुल चिपक जाए नाश्ते में हमारा ऊपर का पनीर वाला मिक्सचर। इसे 3 से 4 मिनट लगता है पकाने में, और 4 मिनट के बाद ये आपका नाश्ता बहुत ही इजली बन जाता है फ्रेंड्स। और ये बच्चों के नाश्ते के लिए एकदम गर्मियों में परफेक्ट है। और इसे आप दूसरी तरफ से भी 10 से 15 सेकेंड के लिए बस कवर कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये भी नीचे का साइड पनीर वाला भी अच्छे से पक चुका है। तो आपको मैं पलट के दिखा रही हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल जला नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप इसे कवर करें तो इसे लो फ्लेम पे ही कवर करके रखें, और नाश्ते को आप कोशिश करें कि लो फ्लेम पे ही बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। और इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए हमें कोई नॉनस्टिक पैन की या तवे की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सिंपल लोहे के तवे पर बनाएं, ये बहुत ही अच्छा बनेगा। और आप अपने बच्चों के चॉइस के अकॉर्डिंग इसे या तो रोल करके दें या पिज्जा स्लाइस में जैसे कट करके देते हैं वैसे भी दे सकते हैं। आधा कप मूंग की दाल से 6 हमारे इस तरह से नाश्ते रेडी हुए हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं ये रोटी जैसा बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है फ्रेंड्स। और इसे आप गर्मा गर्म सुबह या शाम के नाश्ते में भी, या अगर आप वेट लॉस पे भी हैं तो उसमें भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपना कीमती समय हमारे वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।